रायपुर से खबर, जहां नक्सलियों के शहरी नेटवर्क गिरफ्तारी मामले पर हिरासत में लिए गए हितेश अग्रवाल वीआईपी कंप्यूटर का मालिक है। आपको बता दें कि हितेश अग्रवाल बिना बिल के सप्लाई करता था कंप्यूटर्स। वॉकी टॉकी हितेश अग्रवाल को कांकेर लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तो रायपुर से बड़ी खबर, नक्सलियों के शहरी नेटवर्क गिरफ्तारी मामले पर हिरासत में लिया गया है हितेश अग्रवाल। और आपको बता दें कि वीआईपी कंप्यूटर का मालिक है हितेश अग्रवाल, बिना बिल के सप्लाई करता था कंप्यूटर और वॉकी टॉकी। हितेश अग्रवाल को कांकेर लेकर पुलिस रवाना हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी कंप्यूटर का मालिक हितेश अग्रवाल गिरफ्तार हुआ है। दरअसल बिना बिल के सप्लाई करता था कंप्यूटर और वॉकी टॉकी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराजनेता हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, गिरफ्तारी हो गई है, इसके अलावा क्या अपडेट्स मिल पा रहा है? देखिए, कुछ दिन पहले ही एक ठेकेदार को नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया था, और उसी से मिले इनपुट्स के आधार पर कल देर शाम कांकेर पुलिस ने ललिता चौक स्थित वीआईपी कंप्यूटर में छापा मारा, और उनके संचालक हैं हितेश अग्रवाल, उनको हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद पूछताछ जारी है, और कांकेर पुलिस अपने साथ उसमें उसे कांकेर लेकर गई है, वहाँ लगातार उनसे पूछताछ अभी चल रही है। जो जानकारी निकल कर सामने है उसके मुताबिक जो एक ठेकेदार है राजनांदगांव के, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं नक्सलियों के शहरी नेटवर्क मामले में, उनसे पूछताछ में पता चला है कि रायपुर स्थित वीआईपी कंप्यूटर के जो संचालक हैं हितेश अग्रवाल, उनसे उस ठेकेदार ने कंप्यूटर और कुछ वॉकी टॉकी नक्सलियों के लिए खरीदी थी, और इसमें बकायदा ये फर्जीवाड़ा किया गया था। इसमें जो किसी भी प्रकार के जो दस्तावेज और बिल है वो यहाँ से दुकान संचालक द्वारा नहीं दी गई थी, मतलब बिना बिल के नक्सलियों को वॉकी टॉकी और कंप्यूटर पहुंचाया गया, तो इसी के आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है। और उसकी और क्या इसमें भूमिका है, क्या कुछ और उसमें उन्होंने शामिल किया है, क्या और सामान उसके द्वारा उस ठेकेदार को दिए गए थे, तमाम चीजों को लेकर अभी हितेश अग्रवाल से कांकेर पुलिस कांकेर में पूछताछ कर रही है। दूसरा, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। मानसून के दौरान